फरवरी आएगी, आएंगे सारे त्योहार, नए साल की बेला पर झूम रहा संसार, जिसका था बेसब्री से इंतजार, मंगलमय हो आपके लिए 2019 का साल। नमस्कार, बिहार टेलीविजन नेटवर्क, दर्ज डिजिटल सर्विसेज एवं जीटीपीएल सर्विसेज परिवार की ओर से नव वर्ष की मंगल कामना। आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं गुंजन, हाजिर में आपके क्षेत्र, आसपास और इलाके की तमाम ताजा तरीन खबरों को समेटे। खबरों की शुरुआत खास खबरों से। नए साल के जश्न में डूबा रहा दरभंगा, पिकनिक स्पॉट राज मैदान में युवकों बच्चों संग बुजुर्गों ने नए साल का किया खूब एंजॉय। दरभंगा जिला स्थापना के वर्षगांठ पर 145 मोमबत्तियां जलाकर भव्यता पूर्वक मनाया समारोह, पर्यावरण संरक्षण हेतु समारणालय परिसर में वृक्षारोपण। और रंग बिरंगी रोशनी से रोशन हुआ समारणालय के साथ सरकारी कार्यालय, सतरंगी फव्वारा बना आकर्षण का केंद्र। खबरें विस्तार से किंतु थोड़ी देर में। एक ही छत के नीचे सभी आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइनल सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज, गरीब मरीजों के लिए विशेष सुविधा, सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर, डॉक्टर एसएन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका वी सर्राफ स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरिया सराय। जो स्टूडेंट किसी भी कारण 10th या 12th की बोर्ड की तैयारी नहीं कर पाए हैं, उस सभी स्टूडेंट के लिए आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट लेके आया है क्रैश कोर्स। बचे हुए कम समय में प्रतिदिन 6 घंटे का क्लास होगा और सभी सब्जेक्ट के विशेषज्ञ टीचर के द्वारा बोर्ड की तैयारी कराई जाएगी। बैच स्टार्ट फ्रॉम 29 नवम्बर एंड 6 दिसंबर। कॉन्टैक्ट 9308296082840983370। जी, होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल परिवार की ओर से समस्त मिथिलावासी, बिहारवासी, प्रशासन के पदाधिकारियों, सभी अभिभावक, सभी स्कूली बच्चों एवं मीडिया के बंधु, सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामना मेरे तरफ से, मेरे स्कूल परिवार की तरफ से। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि नव वर्ष सभी के लिए ढेर सारी खुशियाँ लाए, जिनका जो मन कामना हो वो नए साल में पूरा हो, जो पीछे कुछ रह गया हो उनके जीवन में, खुशियाँ नहीं मिल पाया हो, वो नए साल में उनकी खुशियाँ मिले, ये मेरा शुभकामना है। मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ जो हमारे सुरक्षा के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए इस ठंड के मौसम में, जहाँ बर्फ जमी हुई है, फिर भी अपने जिंदगी और मौत के बिना परवाह किए आज वो बॉर्डर पर डटे हुए हैं हमारे सेना के जवान। मैं उन्हें ढेर सारी नव वर्ष की शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ, और उनके बाल बच्चों को भी, उनके परिवार को भी खुशहाल होने का मैं शुभकामना देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से विश यू हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल स्टूडेंट्स, पेरेंट्स ऑफ माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल एंड टू ऑल व्यूअर्स ऑफ चैनल्स एंड ऑफ दरभंगा वासी के लिए भी मैं सबसे पहले अपील करता हूँ कि ये नया वर्ष जो है तो बहुत ही सोहल्लास के साथ मनावें और कोशिश करें कि ये पर्यावरण को बचाते हुए करें। खासकर हम लोग अगर अवेयर हो जाएंगे तो हमारा पर्यावरण स्वच्छ और सुंदर रहेगा। और हम लोग भी बच्चों के साथ भी कहते हैं कि उनको भी कहते हैं कि वो नए साल में नए उमंग के साथ, जोश के साथ वो पढ़ाई को भी एक नया अंजाम दें। और आगामी एग्जामिनेशन सब भी आने वाले हैं, इसलिए कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है, हर काम पॉसिबल है अगर इफ़ यू
डिजर्व इफ अगर इच्छा शक्ति स्ट्रांग रहेगी विल पावर स्ट्रांग रहेगा तो यू कैन विन एंड यू आर ए विनर। सो मेरा अंत में सभी दरभंगा वासियों से इवन रोटरी क्लब ऑफ मिथिला के सभी सदस्य NVHS के सभी सदस्य यूनेस्को के सभी सदस्य को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान विद्यालय परिवार की ओर से सभी छात्र छात्राओं शिक्षक शिक्षिकाओं अभिभावकों नगर वासियों को एवं मीडिया बंधुओं को नूतन वर्ष 2019 की ढेर सारी मंगल कामनाएं। कामना है कि नव वर्ष 2019 सभी के जीवन में स्वास्थ्य सेहत खुशी एवं तरक्की लेकर के आए। कामना है कि सभी वर्ष 2018 को हर्ष और उल्लास के साथ विदा करें तथा नए वर्ष 2019 को उमंग और जश्न के साथ उसका स्वागत करें। बोर्ड परीक्षार्थियों से कक्षा 10 और 12 के बोर्ड परीक्षार्थियों से अनुरोध है कि वे अब नई लगन के साथ अपने पढ़ाई में जुट जाएं ताकि वे सर्वश्रेष्ठ परिणाम लाकर अपना परिवार का एवं विद्यालय का नाम रोशन करें। एक बार पुनः नव वर्ष 2019 की ढेर ढेर सारी मंगल कामनाएं। सेंट थॉमस मॉडर्न स्कूल बेता लहरिया सराय दरभंगा एक उभरता हुआ स्कूल है, जैसा कि अगल बगल के वातावरण में काफ़ी सरगर्मी से इसका स्वागत हो रहा है। तो मैं यहाँ का प्राचार्य अर्थात प्रिंसिपल और मैं नए साल की शुभकामना अपने सभी अभिभावक अपने सभी शुभ इच्छुक के साथ साथ मीडिया प्रेमियों को देता हूँ और समस्त दरभंगा वासियों को ये शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि वो नए साल में सुखी समृद्ध और अग्रसर हों। नैतिकता का पतन जो हो रहा है, एक स्कूल के प्रिंसिपल होने के नाते मैं उनसे निवेदन करूंगा कि शहर को नैतिक रूप से प्रगतिशील बनाएं, स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी जो भी है उसमें सहयोग करें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि विद्यालय हमारे छात्र हमारे शिक्षक इसमें काफ़ी पढ़ाने के क्रम में तो प्रयत्नशील रहते ही हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर जो अभिभावक की भूमिका है या अन्य जो नागरिकों की भूमिका है उसमें हम उनसे निवेदन करेंगे कि मुझे सहयोग करें। हमारे स्कूल के सभी लोग उसकी शुभकामना करते हैं। इसी के साथ नए साल की एक बार फिर से शुभकामना कि सभी सुखी जीवन प्राप्त करें। जी सर, देखिए आप आने वाला वर्ष आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगलमय हो और हम लोग अपने स्कूल में ANM और JNM की कोर्सेज चला रहे हैं। जैसे 50 स्टूडेंट ANM में हम लोग लेते हैं हर साल और 50 स्टूडेंट JNM में हम लोग लेते हैं हर वर्ष, और हम लोग कोशिश में है कि BSc नर्सिंग भी शुरू करें, उसके लिए हमने प्रक्रिया अपना शुरू कर दिया है। डैफोडिल्स इंग्लिश स्कूल बाकरगंज लहरिया सराय की ओर से मैं हेमंत कुमार श्रीवास्तव विद्यालय प्रबंधक नव वर्ष की शुभकामना सबों को जिला पदाधिकारी मीडियाकर्मी शहरवासियों मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे अभिभावक इन सबों को विद्यालय परिवार की ओर से देशवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामना। मकर संक्रांति और नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं। विद्यालय में भी नए वर्ष में नए नए कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। फिर एक बार मैं डैफोडिल्स इंग्लिश स्कूल परिवार की ओर से सबों को नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामना और शांति सद्भाव से इस त्यौहार को मनावे। हैप्पी न्यू ईयर। 2018 जो जाने वाला वर्ष है ये खास तौर से ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग, ख्वाजा गरीब नवाज पारा मेडिकल कॉलेज, अपोलो नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल यानी के ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही भाग्यशाली वर्ष था। मुझे दुख है कि ये साल हम लोगों को छोड़ करके जा रहा है, लेकिन फिर भी आने वाले 2019 में हम लोग चाहेंगे कि मिथिलांचल के लिए अच्छे कोर्स जो चुके छात्राओं का छात्र छात्राओं का प्लान खास तौर से नर्सिंग शिक्षा में BSc नर्सिंग के लिए
जीएनएम के लिए दरभंगा सहित मिथिलांचल से छात्रों का पलायन हो रहा था, इसको रोकने के लिए हम लोगों का प्रबल प्रयास रहेगा और हम लोगों की आशा रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे शिक्षा और अच्छे प्रशिक्षण देकर के छात्रों को भेजें, जिससे दरभंगा सहित मिथिलांचल के छात्र नौजवान युवाओं को बेरोजगारों को रोजगार में जाने का सरकार बिहार सरकार भारत सरकार के स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ रेलवे वगैरह में भी जाने का मौका मिलेगा। इसी के साथ दरभंगा सहित मिथिलांचल के सभी आम जनता सरकारी पदाधिकारी मीडिया के साथी के साथ साथ नर्सिंग कॉलेज पैरामेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के गार्जियन को नव वर्ष 2019 की ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ओर से तहे दिल से मुबारकबाद। आशा करता हूं कि आने वाला वर्ष जो है हम लोगों के जीवन में नई खुशियां लेकर के आए। नव वर्ष 2019 के शुभ आगमन के अवसर पर मैं संपूर्ण मिथिलांचल वासी बिहार वासी देश वासी कांग्रेस पार्टी के देश के नेतृत्वकर्ता प्रदेश के नेतृत्वकर्ता हमारे लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष जिला के नेतृत्वकर्ता दरभंगा के सभी मिथिलांचल के सभी निर्वाचित प्रतिनिधि पंचायती राज के प्रतिनिधि निगम के सभी निर्वाचित प्रतिनिधि महापौर उपमहापौर सभी पदाधिकारी खास तौर से हम अपने जहां से हम 15 वर्षों तक नेतृत्व किया उस वार्ड वासी को आप तमाम मीडिया कर्मी को सभी शुभेच्छु जानने वाले परिजन गुरुजन सभी को नव वर्ष 2019 की हार्दिक शुभकामना देते हैं बधाई देते हैं। आशा करते हैं कि आने वाला नया वर्ष सभी के जीवन में हर्ष उल्लास खुशी की सौगात लेकर के आवे, उनके जीवन में हर दिन होली हर रात दिवाली बने, यही शुभकामना करते हैं। आप तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के साथियों को भी हृदय से शुभकामना देते हैं। नव वर्ष का जश्न मनाए लेकिन एक आह्वान जरूर करते हैं कि खुशियां तो मनाएं, लेकिन हम आप सब लोग एक सूत्र में बंध करके समाज को एक नया संदेश दें, हम लोग एकत्रित हों और नया वर्ष का आह्वान करें, नए वर्ष का स्वागत करें। पुनः सभी को नए वर्ष की शुभकामना और बधाई। जी सर, आप सभी देशवासियों बिहार वासियों और खास करके दरभंगा वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। ये वर्ष उन्नति का वर्ष हो, सृजन का वर्ष हो, आने वाले समय में देश उन्नति के राह पर आगे बढ़े, इसकी शुभकामना है। साथ ही साथ हमारे दरभंगा जिला के का विकास का दर बढ़े और यहाँ के लोगों में उन्नति की का मार्ग प्रशस्त हो, ये शुभकामना है। आप मीडिया के साथियों को भी नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामना और आने वाले वर्ष में आप लोगों का भी उन्नति हो, यही हमारा मंगल कामना है। नव वर्ष 2019 के शुभ अवसर पर जो आने वाला है, इस पर पूरे दरभंगा वासियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, ताकि नव वर्ष सभी दरभंगा वासियों के लिए बहुत ही अच्छा और उल्लास भरा हो, ये हमारी अपेक्षा है। और नव वर्ष का शुभकामना ब्राह्मण महासभा की ओर से हम जिला अध्यक्ष मैं रंजीत कुमार झा पूरे दरभंगा वासियों को दे रहा हूँ। हम दरभंगा जिला के तमाम जिला वासियों को, तमाम जिला के हमारे कांग्रेस परिवार के लोगों को, जिला के तमाम पदाधिकारियों को, जिला के तमाम मीडिया के
भाइयों को हम दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से 2019 का शुभकामना व्यक्त करते हैं और 2019 सारे लोगों को खुशहाली का जीवन लावे, यही हमारी शुभकामना है। आशा नर्सिंग होम और आशा ट्रेनिंग एजेंसी की तरफ से, जो कि रामनगर पंडा सराय में अवस्थित है, उसके तरफ से समस्त दरभंगा वासी अपने समय समस्त जिला वासियों को 2019 की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी उनकी कामनाएं हैं, जो सोच रहे हैं, ऊपर वाले की कृपा से वो सब 2019 में उनका पूर्ण हो और खुशमय जिंदगी, बेहतर से बेहतर ज़िंदगी उनका व्यतीत हो। और सारी कामनाएं जो उनको 2018 में ना पूरा हो पाया हो, वो 2019 में आशा करते हैं कि पूर्ण हो। बस यही शुभकामनाएं मेरे तरफ से समस्त दरभंगा वासियों को 2019 के शुभागमन पर। मैं तमाम देश के जनता को हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं कि आने वाले वर्ष भारत में बढ़िया से, उन्नति से, शांति से व्यतीत हो। अभी जो देश में हर एक कोने में कहीं न कहीं, कहीं गाय, कहीं गोबर, कहीं मॉब लिंचिंग होता है, इससे त्राण मिले और 2019 सबों को अच्छा बीते, इसी शुभकामनाओं के साथ दरभंगा जिला के, बिहार प्रदेश के तमाम कांग्रेस साथियों को नव वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। 2019 को लेकर के दरभंगा NSUI की ओर से दरभंगा के तमाम नौजवान छात्रों, छात्र छात्राओं, तमाम पदाधिकारी, मीडिया बंधुओं और कांग्रेस पार्टी के तमाम जिला पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी को दरभंगा NSUI की ओर से नव वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। त्रिभुवन कुमार, NSUI जिला अध्यक्ष। और खबरें अब विस्तार से। नए साल के स्वागत के जश्न में डूबा रहा दरभंगा, युवकों, बच्चों संग बुजुर्गों ने भी नए साल को खूब एंजॉय किया। राज मैदान में पिकनिक और गानों पर झूमते युवाओं की टोली का अंदाज निराला रहा। शहर से लेकर गांव तक नए साल का भव्य स्वागत किया। कहीं खेत, कहीं मैदान तो कहीं बगीचे में पिकनिक का यह दृश्य। नौजवानों की टोली झूमते और स्टंट कर अपने हुनर की खूब जोर आजमाइश की। नए साल के स्वागत के जश्न में डूबा रहा दरभंगा, युवकों, बच्चों संग बुजुर्गों ने भी नए साल को खूब एंजॉय किया। पिकनिक स्पॉट राज मैदान में जश्न का माहौल बना रहा। कुछ नए अंदाज में गानों पर झूमते युवाओं की टोली नजर आई। Thank you.
वीरेंद्र कुमार के साथ सरफराज आलम, बीटीएन न्यूज। दरभंगा जिला अपने स्थापना का वर्षगांठ मना रहा। समरणालय परिसर में 145 मोमबत्तियां जलाई गई, जिसमें जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह सहित सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और बुद्धिजीवी वर्ग शामिल हुए। साथ ही परिसर में पर्यावरण संरक्षण हेतु जिलाधिकारी सहित सभी अधिकारियों ने वृक्षारोपण में हिस्सा लिया। कल भी हम ही हम थे, आज भी हम ही हम रहेंगे, इसी तरह दरभंगा जिला रोशन होता रहे। दरभंगा जिला के स्थापना पर 145 मोमबत्तियां जलाकर वर्षगांठ समारोह मनाया गया। समरणालय परिसर में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह समेत सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और बुद्धिजीवी हस्तियां इसमें शामिल हुई। और इस मौके पर कटे केक भी। और वहीं दूसरी तरफ स्थापना दिवस पर पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दोहराई गई। परिसर में वृक्षारोपण किया जिलाधिकारी सहित सभी अधिकारियों ने। जिला समाहरणालय दरभंगा का 145वां हम लोग जो है स्थापना दिवस मना रहे हैं, उसी के क्रम में आज जो है 145 कैंडल का प्रज्वलन, दीप का प्रज्वलन करके और केक कटिंग की गई है। परंपरागत रूप से किया जाता है सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा, तो बहुत ही हर्षोल्लासपूर्ण माहौल में ये मनाया जाता है स्थापना दिवस, विशेषकर आज का। और सभी हमारे जितने पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन सभी लोगों को बहुत शुभकामना है, उनके परिवार को बहुत शुभकामना है, समाहरणालय परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों को, उसके साथ साथ सभी जिलेवासियों को भी स्थापना दिवस की शुभकामना है। और हम सभी लोगों का प्रयास है कि सभी जो हमारे जिलेवासी हैं उनकी अपेक्षाओं पर हम लोग खरे उतरें और सभी पदाधिकारी और कर्मचारी और मेहनत से अपने दायित्व का निर्वहन करें। इसी संकल्प के साथ हम लोगों ने आज 145वां जिला स्थापना दिवस मनाया है। नव वर्ष भी आज है और सभी जिलेवासियों को नव वर्ष की मंगल कामना है। उनके जीवन में खुशियां लेकर के आए नया वर्ष, और उनकी जो आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, वो पूरी हों। सभी लोगों से, सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आभार। सत्येंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज। रंग बिरंगे रोशनी से जगमगा उठा समाहरणालय परिसर। स्थित सभी सरकारी भवनों को आकर्षक सजाया गया था। सबसे आकर्षक का केंद्र रहा सतरंगी फव्वारा। रंग बिरंगे रोशनी से रोशन हुआ समाहरणालय परिसर स्थित सरकारी कार्यालय। सबसे आकर्षक का केंद्र रहा सतरंगी फव्वारा। सत्येंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज। दरभंगा जिला के 145वां स्थापना दिवस पर सोमवार को कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। वीर, श्रृंगार और हास्य रस के कवियों ने कविता पाठ से दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। दरभंगा जिला के 145वां स्थापना दिवस पर सोमवार की संध्या कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। वीर, सिंगार और हास्य रस के कवियों ने कविता पाठ से दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। और
पास मुझे कुशेश्वर स्थान बाबा भोलेनाथ की नगरी, मैं वहीं से काव्य यात्रा आरंभ करना चाह रहा हूं। जय भूत भावन अघन सावन नित्य सावन सुंदरम, जय भूत भावन अघन सावन नित्य सावन सुंदरम, जय जटुभाल श्रेत लाल सुबाल हिंदु सुशोभनम, ध्वनि गंग मधुन मृदंग भंग सुभंग भस्म विभूषितम, अति मधुर हास विलास प्रतिपल श्वास श्वास सदा शुभम, जय काम घालक नित्य पालक भक्त बालक मंगलम। सुनने का मैं चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम सभी हैं, ईश्वर परवरदिगार सबके लिए एक है। मैं उसी की वंदना के साथ शुरू करना चाहता हूँ के तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। आस लगी पावन इसको करो सफल तुम, क्या बात है, है आस लगी पावन इसको करो सफल तुम, तम में भटक रही हूँ कर बुद्धि को विमल तुम, तम में भटक रही हूँ कर बुद्धि को विमल तुम, माँ शारदे झुका से द्वारे पड़ी है पूनम, क्यों देर हो लगाती, क्यों देर हो लगाती, माता बनी हो निर्मम, माता बनी हो निर्मम जननी, पगतल बसाल रे जननी, पगतल बसाले, पगतल बसाल रे जननी, पगतल बसाले, पगतल नाम लिया और हर बार शुद्ध शुद्ध लिया जी। बहुत कम लोग मेरा नाम शुद्ध शुद्ध ले पाते हैं। मेरा नाम नागेश चांडिल है सर, कई लोग मुझे नागेश चांडिल कह देते हैं, कोई नागेश चांडियाल कह देता है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है आजमगढ़, एक बार मैं वहाँ गया था, आदरणीय हरीश जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा था, वहाँ के आयोजक जोर जोर से चिल्ला रहे थे बनारस चाय हुए नागेश चांडाल का मैं स्वागत करता हूँ, बनारस चाय नागेश चांडाल का मैं स्वागत करता हूँ। उन्होंने एक बार दो बार तीन बार कहा, मैं गया उनका चरण पकड़ लिया, हमने कहा आदरणीय आप बहुत विद्वान हैं, आपने सांडाल कहा भला मुझे चांडाल नहीं कहा। ऐसी ऐसी स्थितियां आ जाती है, विद्वान मैं भी हूँ, विद्वान को भी विद्वान कहना पड़ता, ये सब कहना पड़ता है, आज माना है कहना ही चाहिए। यहाँ तक बात अगर गनीमत रहती तो ठीक थी, आजकल तो ये भी कहना पड़ता है कि हमारे पिताजी ही हमारे पिताजी हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं, वाह 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 वाह, क्या बात है। मेरा परिचय ठीक से नहीं कराया गया सर, मैं उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूल का प्रधानाध्यापक हूँ, मैं स्वयं को प्राइमरी स्कूल का प्रोफेसर कहता हूँ, इसमें हंसने की कोई बात नहीं। सातवें वेतन आयोग के बाद, मैं इधर की स्थिति नहीं जानता, अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ, सातवें वेतन आयोग के बाद अपनी स्थिति बहुत सुधरती है, कला की धरती है, की धरती है, कुंद माधव की बांसुरी का, कला का, कौशल का, कौतुकी का कमल। वर्तमान समय में नगर निगम की जो भी उपलब्धियां हैं उसमें मैंने एक सरकारी अधिकारी के रूप में अपना योगदान मात्र दिया। मेरा दरभंगा का कार्यकाल अविस्मरणीय है, जिसे चाहकर भी भुलाया नहीं जा सकता। उक्त बातें निवर्तमान नगर आयुक्त नागेंद्र कुमार सिंह ने अपने विदाई सम्मान समारोह में कही। वर्तमान समय में नगर निगम की जो भी उपलब्धि है उसमें मैंने एक सरकारी अधिकारी के रूप में अपना योगदान मात्र दिया। मेरा दरभंगा का कार्यकाल अविस्मरणीय है, जिसे चाहकर भी भुलाया नहीं जा सकता। उक्त बातें निवर्तमान नगर आयुक्त नागेंद्र कुमार सिंह ने अपने विदाई सम्मान समारोह में कही। फुटकर विक्रेता संघ की ओर से उन्हें सम्मानित किया गया। उस योजना का कार्यान्वयन दरभंगा में किया गया और सबसे पहले दरभंगा शहर में फूड ट्रक विक्रय समिति की गठन किया गया, टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन किया गया, विधिवत मीटिंग किया गया, 12 जगह हमारे माननीय नगर महोदय और हम लोगों के टीवीसी के चेयरमैन भी उनके कृपा से उनके प्रयास से हम लोगों के सहयोग से 12 जगह दरभंगा शहर में फूड फाट दुकानदारों के कल्याणार्थ
फुटपाथ दुकानदारों के हित में चल रही सरकारी योजनाओं का सरसा लाभ बिना स्वार्थ का कैसे मिले, इसके लिए वो लगातार प्रयत्नशील रहे और उसको बोर्ड से पास करवा करके फिर जो है उसको विभाग में भेजवाने का काम जगह का जहाँ जहाँ जगह चयनित किए गए वहाँ जो है अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से दिलाना, कई बार इन्होंने अपने स्तर से प्रयास किया, हम लोग भी प्रयास किए। वाले नगर आयुक्त को कर पाएंगे कितना इंटरेस्ट लेकर कितना लेकर के आपकी समस्या को सुना उन्होंने और उसके हर कामों को पूरा करने की कोशिश की, वो नींद नगर आयुक्त महोदय के कलम से हुआ। लास्ट में जाते जाते इन्होंने दो नया हराही पोखरा पे के साथी चौक के उत्तर की दोनों जगह फुट करके तक लिए दुकान बनाने का पेंटिंग चौक का बनाने का चिन्हित करके उन्होंने सारा स्टेट बार बना के प्रेशर दे करके कम समय में सरकार को स्वीकृति दे दी। सरकार से स्वीकृति प्राप्त होकर उस पर भी काम होगा और बाकी जगहों के लिए एनओसी के लिए किया हुआ है। सर के स्तर से बहुत बड़ा प्रयास हुआ, आपके अध्यक्ष महोदय के द्वारा वो प्रयास किया जा रहा है और जैसे ही एनओसी आएगा काम शुरू हो जाएगा, उसमें आप लोग कभी कठिनाई नहीं होगी। मैं निवर्तमान नगर आयुक्त महोदय को और उनके परिवार वालों को लंबी उम्र के लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करता हूँ। प्रारंभ में विभाग को बिल वेल्डिंग जोन का विध्वस्त प्राकलन बनाकर और उसका एस्टिमेट वगैरह सारे कागजात के साथ हम लोगों ने भेजा, उस पर नो ऑब्जेक्शन की तकनीकी दिक्कत लगी हुई है और दत्ता साहब हैं, अन्य साथी हैं, उत्कृष्ट डेटा संघ के सभी सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं संघ के, आप लोग थोड़ा सा प्रयास करिएगा जिलाधिकारी महोदय के यहाँ, तो मुझे लगता है कि वो हो जाएगा। अंतिम रूप से हम लोगों ने जब उसे देखा कि इसमें बहुत विलम्ब हो रहा है तो अपने अभियंता नगर अभियंता हमारे साथ हैं इनके साथ और अन्य अभियंताओं की टीम के साथ शास्त्री चौक का हम लोगों ने किया, वहाँ करीब 152 या 154 दुकानों का जो प्रस्ताव है उसका भी प्राकलन सभी कागजात के साथ हम लोगों ने विभाग में भेजा है और उसमें कोई तकनीकी दिक्कत अभी फिलहाल नहीं है और मुझे लगता है कि वह जल्द से जल्द स्वीकृत होकर हम लोगों को मिलेगा, उस पर काम होगा और वहाँ दुकानदार जो भी अगल बगल के दुकानदार हैं उसकी सूची है, उनका पहचान पत्र है, उस अनुसार से उन्हें आवंटित होकर उनको निश्चित रूप से मिलेगा। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। वक्त ब्रेक का है। यूरोस्टोन रिसर्च सेंटर अत्याधुनिक मशीन एवं समस्त सुविधाओं के साथ किडनी और मूत्र रोग से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज सफलतापूर्वक। डॉक्टर मनोज कुमार एवं डॉक्टर महेंद्र सिंह पूर्व किडनी और मूत्र रोग विशेषज्ञ इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना VIP रोड अलरपट्टी। मोबाइल 0627224025725050400893089301011। व्हाट्सएप नंबर 9262948578। आनंद बेकर्स बेलवागंज की ओर से अलविदा 2018 एवं नए साल का समस्त मिथिलांचल वासियों दरभंगा वासियों को हार्दिक शुभकामना। नए साल आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि एवं यश की बरसात करे। भारत गैस एजेंसी मौलागंज की ओर से नए साल का समस्त मिथिलांचल वासियों को हार्दिक शुभकामना। नए साल आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि लाए। चौधरी गैस एजेंसी पंडसराय की ओर से अलविदा 2018 एवं नए साल 2019 का समस्त मिथिलांचल वासियों को हार्दिक शुभकामना। नए साल आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि एवं यश की वर्षा।
पब्लिक स्कूल हाउसिंग कॉलोनी लहरियासराय में एनुअल स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों विभिन्न तरह के, चूँकि पढ़ाई के साथ साथ ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए खेल, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक, इस सारे अति कार्यक्रमों का आयोजन विद्यालय में समय समय पर होते आते रहे हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज विद्यालय का वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों को तीन भाग में बांटा गया है, ग्रुप ए नर्सरी टू वन, ग्रुप बी 2 to 5 एंड ग्रुप सी 6 to 8, जिसमें बच्चों को, लड़कियों के लिए स्पून मार्बल रेस, थ्रेड एंड नीडल रेस, बच्चों लड़कों के लिए सैक रेस, 100 मीटर रेस, 50 मीटर रेस, ट्रॉफी रेस, एप्पल रेस, अपोजिट रेस, कॉपी रेस, आज कार्यक्रम का म्यूजिकल चेयर, पासिंग द बॉल, आज कार्यक्रम का आयोजन बच्चों के द्वारा किया जा रहा है। और ये साल में एक बार, चूँकि खेल कूद से बच्चों का, चूँकि अभी परीक्षा खत्म हुई है, पीरियोडिक टेस्ट, सेकेंड पीरियोडिक टेस्ट, बच्चों को फन के लिए, क्रिएशन के लिए, चूँकि री ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको ये खेल के द्वारा माने स्फूर्ति लाया जाता है, जाकि फिर अगले जो जनवरी से उसका नया पढ़ाई शुरू होगा तो उसमें तरोताजा वो महसूस करेंगे। आई मन लाला ना कथी नया साल लाला लहरियासराय पब्लिक स्कूल की ओर से समस्त मिथिलांचल वासियों, पत्रकार बंधुओं एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। आशा करते हैं जो 2019 में जो हम लोग के जीवन में एक नई स्फूर्ति, बेरोजगारी की समस्या जो है वो खत्म हो, ऐसी सरकार चुन के आवे 2019 में जो हम लोग का जो बेरोजगारी की समस्या है, ये बॉर्डर पर में जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की है, दरभंगा में भी मुस्लिम लोग जो है पाकिस्तान जिंदाबाद की नारा लगाते हैं, इस तरह से, चूँकि जो हिंदुस्तान में रहता है वो चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो, वो हिंदुस्तानी हैं। और हम आशा करते हैं जो नया साल हम लोगों के लिए सुख, शांति, समृद्धि एवं आशा ये लेकर के आवे जो हम लोग के जीवन में खुशहाली। दरभंगा शहर, दरभंगा जिला तथा बिहार के निवासियों को नव वर्ष आने वाले 2019 की हार्दिक शुभकामना। मेरी कामना है कि सारे बिहारवासियों का, दरभंगा वासियों का यह नया साल मंगलमय हो, उनके लिए सुख, समृद्धि और नई ऊंचाई के रास्ते 2019 में खुले। इसी कामना और शुभकामनाओं के साथ सारे लोगों को नव वर्ष 2019 की हार्दिक शुभकामना, मंगल कामना। यह वर्ष को सुखद जीतने का अनुभूति कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाला साल भी यहाँ के छात्र छात्राओं, शिक्षकों, दरभंगा वासियों, विश्वविद्यालय से, महाविद्यालय से संबद्ध विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकार समूह के लिए यह सुखद साबित होगा। जय हिंद, जय भारत। वर्ष 2019 से स्वामी विवेकानंद बीएड शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के कैंपस में ही होली मिशन स्कूल वासुदेवपुर स्थापित हो रहा है, तो इस स्कूल के तरफ स्थापित होने वाले स्कूल के लिए भी और इस महाविद्यालय से संबद्ध सभी छात्र छात्राओं, शिक्षकों, शिक्षिकाओं, महाविद्यालय से संबद्ध विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के लिए मेरी शुभकामना है कि नव वर्ष सबों के लिए मंगलमय हो और सबों का भविष्य सुखद हो। पब्लिक मीडिया इंग्लिश स्कूल उर्दू बाजार दरभंगा की ओर से सभी दरभंगा वासियों, बिहार वासियों एवं भारत वासियों को नव वर्ष 2019 की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। विशेष इस अवसर पर सभी लोगों को खुशी, समृद्धि की कामना करता हूँ। नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, नया सवेरा नई किरण के साथ, नया दिन एक प्यारी सी मुस्कान के साथ
आपको नया साल मुबारक हो, ढेर सारी दुआओं के साथ नव वर्ष मंगलमय हो। चाणक्य एजुकेशन सर्विस के तरफ से दरभंगा वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं तथा आगे बढ़ने की भगवान से मनोकामना भी करता हूं। इस संस्था का शुभारंभ 27 दिसंबर को भगवान दास मोहल्ला जेपी चौक के पास हुआ। इस संस्था के अंतर्गत छात्र छात्राओं को चार महत्वपूर्ण विषय जैसे कि मैथ, साइंस, इंग्लिश तथा सोशल साइंस अनुभवी तथा सुयोग शिक्षकों द्वारा पढ़ाई जाएगी। इस संस्था के अंतर्गत क्लास 5 से लेकर के क्लास 12 के छात्र छात्राओं को एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। यह संस्था CBSE, BSEB तथा ICSE पाठ्यक्रम पर आधारित है। मुंशी प्रेमचंद पब्लिक इंग्लिश स्कूल की ओर से नव वर्ष की ढेरों शुभकामना। आशा रखते हैं कि वर्ष सबका मंगलमय होगा। जिला वासियों, स्कूल के छात्रों, गार्जियनों सबका वर्ष मंगलमय हो, यह शुभकामना मुंशी प्रेमचंद पब्लिक इंग्लिश स्कूल की ओर से है। एक नए वर्ष में नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। नए वर्ष सबों के जीवन में सुख समृद्धि लावे। आप सब चिकन पॉइंट की तरफ से नए साल का ढेरों ढेरों मुबारकबाद बधाई। जैसा कि आप सब जानते हैं, चिकन पॉइंट अपने आप में एक साफ सुथरा और अच्छा दुकान है। आज एक फिर से नई शुरुआत हुई है। हम आशा करते हैं कि जैसे पहले आप सब दरभंगावासी हम पर विश्वास करके हमें सेवा का मौका दिया है, आगे भी हम आपसे यही आशा करते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इससे पूर्व खास खबरों पर नए साल के जश्न में डूबा रहा दरभंगा। पिकनिक स्पॉट राज मैदान में युवकों बच्चों संग बुजुर्गों ने नए साल का किया खूब एंजॉय। दरभंगा जिला स्थापना के वर्षगांठ पर 145 मोमबत्तियां जलाकर भव्यता पूर्वक मनाया समारोह। पर्यावरण संरक्षण हेतु समाहरणालय परिसर में वृक्षारोपण। और रंग बिरंगी रोशनी से रोशन हुआ समाहरणालय के साथ सरकारी कार्यालय। सतरंगी फव्वारा बना आकर्षण का केंद्र। जिला रजक संघ का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष और संगठन प्रभारी पद के लिए चुनाव किया गया। जिला रजक संघ के विभिन्न पदों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद पर सुरेंद्र चौधरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर सत्यनारायण चौधरी, महामंत्री पर ज्वाला चंद्र चौधरी, कोषाध्यक्ष भगवान दयाल चौधरी, नगर अध्यक्ष लहरिया सराय बबलू रजक, दरभंगा नगर अध्यक्ष सुशील चौधरी, जिला उपाध्यक्ष इंद्रमोहन साफी, संजय साफी, उमेश चौधरी, मंत्री संगठन प्रभारी शालू कुमार गौतम बनाए गए हैं। रूपा चौधरी महिला अध्यक्ष, सचिव पूनम देवी बनाई गई हैं। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में रजक समुदाय सदस्य शामिल थे, जिसमें शत्रुघ्न साफी, राहुल कुमार, अनिल धोवी, अजीत चौधरी, छीतक रजक, गुलाब बैठा, शंकर चौधरी, संतोष चौधरी, संजय साफी, शिव कुमार साफी। दरभंगा जिला रजक संघ का जो है संगठनात्मक चुनाव हुआ, जिसमें हम लोगों के सम्मानित अध्यक्ष श्री सुरेंद्र चौधरी जी फिर से पुनः निर्वाचित किए गए हैं और लोगों ने जो है ध्वनि मत से उनको अध्यक्ष मान लिया। हम लोग के सत्यनारायण चौधरी जी उपाध्यक्ष थे, उन्हें बढ़िया उपाध्यक्ष बनाया गया है। और कोषाध्यक्ष जो, चूँकि वह मान लीजिए बैंक का मामला रहता है, इसलिए कोषाध्यक्ष यथावत जो है भगवान दयाल चौधरी को रखा गया है। उपाध्यक्ष जो है बेनीपुर से जो है हम लोग बिरौल से इंद्रमोहन साफी जी को जो है सो बनाया गया है। केवटी से जो है युवा का अध्यक्ष जो है रूपेश साफी को बनाया गया है।
उसके बाद जो है मंत्री के रूप में हायाघाट प्रखंड से जो है रमेश बैठा को जो है मंत्री का जो है सो दर्जा दिया गया है, और नगर टीम जो है तैयार की गई है, तो दरभंगा नगर के जो है सुशील चौधरी को जो है दरभंगा नगर का भार दिया गया है। संघ का कोषा अध्यक्ष भगवान दयाल चौधरी, पूरे मीडिया प्रशासनिक प्रतिनिधि एवं पत्रकार को मैं 2019 का शुभकामना दे रहा हूँ। तमाम रजक संघ के साथियों को 2019 की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। का प्रखंड अध्यक्ष रजक संघ का आप सभी साथी भाइयों एवं रजक भाइयों को हार्दिक शुभकामना नव वर्ष। चुनाववाद संगठन विस्तार के लिए 16 जनवरी को सम्मेलन करने का आयोग निर्णय लिया गया संघ की ओर से। सत्येंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज। सत्य साई सेवा संगठन की ओर से नव वर्ष के उपलक्ष्य में डॉक्टर नीलम सहाय के क्लिनिक पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर साई शिष्य मौजूद थे। सत्य साई सेवा संगठन की ओर से नव वर्ष के उपलक्ष्य में डॉक्टर नीलम सहाय के क्लिनिक पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर साई शिष्य मौजूद थे। बड़ों बुजुर्गों का आदर सम्मान नहीं मिलता है। हमारे आने वाले नए नेहुल जो हमारे लोग हैं उनमें सामंजस्य नहीं है। जो लोग बच्चे हैं हम बहुत सारे चीज करते हैं, जो हमारे बच्चे हैं उनको स्वास्थ्य संबंधी उनको शिक्षा ही शिक्षा मूल्य परक शिक्षा देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जिसके पास मूल्य रहेगा मानवीय मूल्य जिसको कहते हैं वही मूल्य जो हम आचरण और व्यवहार में स्वयं करते हैं वही ट्रांसफर होगा। आज हमारे स्कूल कॉलेज के बच्चे दिग्भ्रमित हैं। दिग्भ्रमित इसलिए नहीं है इसलिए है कि हमारे जैसे लोग जो हम लोग शिक्षा देते हैं ज्ञान देते हैं हम उन चीजों को आचरण में नहीं उतारते चुके हैं। हम खुशहाल कैसे रहेंगे इन काम करने के लिए सारे लोगों को मुक्ति देने के लिए इन दुखों। ये थे अब तक के समाचार। विदा लें आपसे इससे पूर्व खास खबरों पर एक नजर। नए साल के जश्न में डूबा रहा दरभंगा। पिकनिक स्पॉट राज मैदान में युवकों बच्चों संग बुजुर्गों ने नए साल का किया खूब एंजॉय। दरभंगा जिला स्थापना के वर्षगांठ पर 145 मोमबत्तियां जलाकर भव्यता पूर्वक मनाया समारोह। पर्यावरण संरक्षण हेतु समाहरणालय परिसर में वृक्षारोपण। और रंग बिरंगी रोशनी से रोशन हुआ समाहरणालय के साथ सरकारी कार्यालय। सतरंगी फव्वारा बना आकर्षण का केंद्र। ये थे अब तक के समाचार। विदा लें आपसे इस प्रसारण से। आपको पुनः एक बार नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। जय हिंद।